नमस्कार दर्शक भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं किसान परिवार में। और आज हम पहुंचे हुए हैं हिसार यूनिवर्सिटी में। तो हम भाई से, डॉक्टर साहब हैं हमारे, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि इन्होंने कौन कौन से धान के बीज तैयार कर रखे हैं, उनमें कौन कौन से रोगों से हम उसकी बचाव कर सकते हैं, कौन सी में दवाई कर सकते हैं। तो भाई से पूरी जानकारी लेंगे, तो बताइए जरा एक बार, आपने परिचय करा दीजिए हमारे किसान भाई। जी, मेरा नाम डॉक्टर महावीर सिंह है और मैं धान के ऊपर रिसर्च का कार्य करता हूँ हिसार यूनिवर्सिटी में। तो हमारा जो धान का संस्थान है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अच्छा जी। और हम वहाँ पर, हमारी पूरी टीम है, उसमें हम वैरायटी तैयार करते हैं, उसमें डिफरेंट जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं जो नुकसान करते हैं किसान भाइयों की उपज में, और उसके साथ साथ हम बीमारियों पे भी जो है स्टडी करते हैं। तो मैं धान के जो कौन कौन से नए बीज जो हैं हमारे तैयार कर रखे हैं जो हमारे किसान भाइयों को। जी, ये हमारी जो लेटेस्ट वैरायटी है हरियाणा बासमती 2, तो ये जो है इसकी औसत पैदावार जो है 11 से 16 क्विंटल है जी। और बहुत अच्छी वैरायटी है ये। अगर हम बात करें पीबी 11-21 के इक्विलेंट ही है वैरायटी है, और उतना ही जो है मार्केट में प्राइस मिलता है किसान भाइयों को। यस, यही है। इसका चावल आप देख सकते हैं कि इसका चावल कैसा निकलता है। इसके अलावा बासमती 370 भी, हमारे तरावड़ी बासमती जो हमारे नेशनल चेक है, जब भी कोई बासमती की वैरायटी रिलीज होती है देश में तो उसके लिए तरावड़ी बासमती ही मतलब एक स्टैंडर्ड चेक होता है जो कि हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई है। इसके अलावा पीआर ग्रुप में एचकेआर 47, एचकेआर 46, एचकेआर 48, एचकेआर 126, 27, 120 ये वैरायटियां जो हमारे यहाँ से रिलीज की गई है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी वैरायटी आपने ये बताइए, हरियाणा बेस्ट 2 बासमती 2 बासमती हरियाणा बासमती 2 सबसे अच्छी वैरायटी बताइए हमारे किसान भाइयों के लिए। तो हमारे किसान भाइयों की एक जानकारी हो जाती है, जो हमारे धान में आने वाले जो रोग हैं उनके बारे में और बता दीजिए कि हम कौन से रोग से क्या क्या बचाव कर सकते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है शुरुआती स्टेज में इसमें जो शीत ब्लाइट बीमारी आती है जी, ये वाली जो है जिसको हम पर्णछद अंगमारी भी बोलते हैं, शीत ब्लाइट, ये एक फंगस से होती है राइजोक्टिना सोलेनाई से। तो इसकी रोकथाम के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो खेत की मेड़ है या फिर पानी के जो इरिगेशन चैनल्स हैं अपने, वो पर्टिकुलरली धूप घास होती है वो उस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो धूप घास से जो है ये बीमारी फैलती है और हमारे खेत के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे खेत को वीड फ्री रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें नाइट्रोजन या यूरिया का जो है इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव यूज़ जो है हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है दो केमिकल जी, लस्टर के नाम से एक दवाई आती है जिसमें फ्लुसिलाजोल प्लस कार्बेंडाजिम है, तो उसका जो हम 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जैसे ही हमें बीमारी खेत में दिखाई दे तो उसका स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा। और अगर जरूरत हो तो 15 दिन के पश्चात उसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा सीथमार है, वेलिडामाइसिन के नाम से एक दवाई आती है, वो 450 ml दवाई जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर लीफ ब्लास्ट आती है, ब्लास्ट जो बीमारी आती है तीन स्टेज में आती है, नेक ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट एंड नोड ब्लास्ट। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे विश्वविद्यालय से जो है ट्राईसाइक्लाजोल बीम या सिविक के नाम से एक बीमारी आती है, ये वाली है। तो हम किसान भाई पहचान भी कर सकते हैं वीडियो में देखकर आप किस तरह से लगती है। तो बीम और सिविक जो है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में जब ये कर सकते हैं। और दूसरा छिड़काव जो है 50% बालियां निकलने के ऊपर, किसान भाई ध्यान रखें कि 50% बालियां निकलने के पश्चात इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसमें जो रेजिड्यू की जो समस्या है ये ट्राईसाइक्लाजोल में है, तो 50% फ्लावरिंग के बाद में हमें यह स्प्रे नहीं करना है। उसका अल्टरनेट जो है हमारी यूनिवर्सिटी ने कार्बेंडाजिम जो है वो भी है, बायोस्टिन के नाम से जो दवाई आती है वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारे पास जो है सी थ्रोट है और ग्रेन डिस्कलरेशन है, ये बीमारी जो है, तो जो पिछला जैसे 5-7 दिन में जो मौसम रहा है, बारिश का मौसम रहा, बादल रहे, नमी रही ज़्यादा मौसम में, तो उससे जो है फालसमट और ग्रेन डिस्कलरेशन बदरंगे दाने की जो होती है ये, तो ये बीमारी भी जो है खेतों में किसानों को मिलेगी। और ये बदरंगे दाने की जो शिकायत है वो पर्टिकुलरली जो हमारी पीआर ग्रुप की वैरायटीज हैं उनमें ज़्यादा होगी। अच्छा। तो इसकी रोकथाम के लिए जो है प्रोपिकनाजोल, टिल्टिया, फंगिसाइड है, टिल्टिया रिजल्ट के नाम से मिलता है मार्केट में,
तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। जो जैसे फली आ चुकी है उसी पे हम स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, उसी किसी का धान जैसे मतलब पक गया या हरे से मतलब नहीं हो गया तो उस टाइम इसी स्प्रे की जरूरत नहीं है। उस टाइम जरूरत नहीं है। तो हम जो अगर हमारे खेतों में प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो किसान भाई ये यहाँ पे सैंपल भी है और मेले में जो कोई किसान भाई अगर कोई सैंपल लेके आता तो हम उसे ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन भी देते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हाँ भाई आपके खेत में ये बीमारी है, आप ये दवाई जो है, और हम वही दवाई रिकमेंड करते हैं जो हमने टेस्ट की है। बिल्कुल सही है, वही बताते हैं। तो दर्शक भाइयों, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं हिसार यूनिवर्सिटी में, वो बहुत काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। तो सभी किसान भाई जहाँ मेला लगता है वहाँ पर जाएं और डॉक्टरों से सलाह लें, उनसे पूछें कि हमारे इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, उनकी हम क्या रोकथाम कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, तो आप वीडियो देखकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शक भाइयों, वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद किसान भाई।